आपको क्या लगता है, पर्सनल मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, ओके, एंड यू हैव टू आंसर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, ईमानदारी से जवाब देना, ठीक है? तो आपको क्या लगता है, ऐसा एक बात मैं बताऊं, मैं भूल गया, एक्चुअली मेरा एक और चैनल है जिसमें मैं गाना गाते रहता हूँ, सो आज मैंने ए टू मोटिवेशन भी कभी मैंने गाना नहीं गाया, तो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि एक छोटा सा दो तीन लाइनें में गाऊं, ठीक है? और इसी पे मुझे याद आ रहा है एक गाना, कौन सा वाला गाना याद आ रहा है, कोरोना पे एक याद आ रहा है, पता नहीं कोरोना कब जाएगा यार, बड़ा एकदम पीस सी हो गई है, तो उसके लिए गाना मतलब ये वाला याद आता है, कौन सा वाला, सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो जीने दो, ना 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 ना, give me some sunshine, give me some rain, give me another chance, I wanna grow up once again. ए टू मोटिवेशन पे शायद मेरा पहला गाना है, पर ऐसा क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि यार घुट गए अंदर यार। इससे पहले क्या होता था, मतलब संडे टू संडे बैंगलोर में हम लोग बाहर निकलते थे, आराम से घूम के आते थे, कभी नंदी हिल्स चले जाते थे, कभी किसी मॉल चले जाते थे, आराम से लोगों के चेहरे दिखते थे, क्योंकि यू नो 6 दिन की फ्रस्ट्रेशन होती थी, काम करके थक जाते थे यार, तो संडे को बाहर निकलते थे। आज संडे मंडे ट्यूजडे सब सेम है, वही चार दीवारी है, लोगों की शक्लें दिखती रही है, डर इतना लगता है, सच में बता रहा हूँ, कल मैं एक बैंक के काम से मैं बाहर निकला और पहले तो सब कुछ बंद, मुझे ऐसा लग रहा था कि ओ माय गॉड ये क्या है, मैं कहीं, पता है हम लोग ज़ॉम्बीज की मूवी देखा करते थे हॉलीवुड में, अगर आपने देखा हॉलीवुड की ज़ॉम्बीज की मूवी जिसमें अगर आप बाहर निकले तो आपको ज़ॉम्बी खा जाएंगे, ठीक है? तो अब होता क्या है ना, उसमें वो सर्वाइवल के लिए फूड वूड लेने के लिए बाहर निकलते हो तो पूरा शहर बर्बाद है, बंद है सब कुछ, और आप बड़े डर डर के जा रहे हो किसी मॉल में, और वहां पे आप फूड को चोरी कर रहे हो, और पता लगता है जैसे ही आप एक फूड को उठा रहे हो इधर उधर से अचानक से ज़ॉम्बी निकल के आता है, यू नो वैसा सा हालत हो गई बेंगलोर की, ऐसा लग रहा है। मैं निकला अपनी कार से बाहर, ठीक है, एक बार तो 3 बार मुझे पुलिस ने रोका, कहाँ जा रहे हो मैंने कहा यार ये क्या है, और फिर उसके बाद पुलिस के अलावा कुछ नहीं, आज सारी दुकानें सब बंद है, बैंक की मुझे काम था इसलिए मैं निकला था, और मैंने उसके बाद कसम खा ली कि मैं लॉकडाउन में बाहर ही नहीं निकलूंगा, इतनी बुरी हालत, ऐसा लग रहा है कि हम लोग मतलब ऐसे दिन देखने पड़ेंगे, ये भी मुझे समझ में नहीं आया था कि ये हालत हो रही है। सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए YouTube पे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप Instagram पे देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।